वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, वो भी कहीं दिल से मतलब चार दुनिया पे। तो आप सभी लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर से, एंड ये ब्लॉग कुछ दो तीन दिन के बाद आ रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी बिजी थे उस टाइम पर, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं डाल पाई थी मैं। तो आज मैं आपके लिए ब्लॉग डाल रही हूँ ये। तो आज हम लोग जा रहे हैं कलश विसर्जन करने, जो कि हमने भागवत के टाइम पे उठाया था वो कलश। वैसे तो हमारा आज जाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि हम लोग सोच रहे थे एक संडे को जाएंगे, लेकिन सडनली प्लान बन गया था कि इतना लेट क्यों किया जाए। तो कलश तो विसर्जन करना ही था, तो संडे को क्यों आज ही कर लेते हैं। तो सभी लोगों ने मिलकर प्लान बना लिया था, तो मैं फ़िलहाल रेडी भी हो चुकी हूँ। तो मैं आपको फुल आउटफिट दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या पहना है। तो मेरे व्लॉग में बने रहिए और व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। तो गाइज ये था मेरा आउटफिट, जो कि मैंने एक जीन्स कैरी की थी और एक शर्ट। तो फाइनली हम सभी लोग पहुँच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब जहाँ की हमको पहुँचना था और अपने कलश विसर्जन करने थे। तो वो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था, तो हम लोग आए थे यमुना में अपने कलश विसर्जन करने के लिए। ना फेंके काबू पाया नहीं, हटो ही गई तुम पाया नहीं। आप तो नीचे चले जाते हैं, चलो नहीं नहीं वो लहर सी लग रहा है, वो लहर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। आ जा निकालियो, निकाल यार, इधर मैं तो डंडा मारूं। आ निकाल दे, आ निकाल दे यार, चलो अदीवला जा। तो उससे चल रहा था फोटोशूट एंड हम लोग वापस जाने के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि यहाँ से हमको थोड़ी दूर पैदल चलना था। एंड यहाँ का नज़ारा शाम का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग चाची जी का था और सारे कलश नीचे एंड फिर हम लोग चलते चलते मजाक करने लगे क्योंकि अकेले जाओ तो बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो जाता है। और फिर मैंने बनाई थी कुछ रील्स क्योंकि मैं जाऊँ और रील्स ना बनाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ सब बैठ गए। भैया की जय।